कि अफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कोई कहता है जी मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं तो मिट्टी खोद खोद के अर्थ के अंदर जाऊंगा. अब बोलो जी कैसे चेंज होगा. अब मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अगर कोई एक्स डिस्टेंस नीचे आ रहा है, जहां से मर्जी आए, पोल से आए, इक्वेटर से आए, अमेरिका से आए, अफ्रीका, जहां से मर्जी आए, हमें क्या लेना, अर्थ तो गोल है हमारे हिसाब से, तो एक्स डिस्टेंस नीचे उतरेगा तो जहां से मर्जी उतर जाए पहुंचेगा तो यहीं कहीं. ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि हर तरफ से एक्स डिस्टेंस लिया जा सकता है. सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है जीएम बाय आर स्क्वायर, बात खत्म. तो पहला आंसर क्लियर है. लेकिन जब हम एक्स डिस्टेंस नीचे आ गए, हम सारे डिस्टेंसेस कहां से लेते हैं, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर से दूरी कितनी रह गई, आर माइनस एक्स. अब यहां पर अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हो, या मैं आपसे यह पूछूं कि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, तो आप सेम फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे जी एम बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर रेडियस की जगह क्या यूज करोगे, आर माइनस एक्स, क्योंकि आप यहां पे हो और डिस्टेंसेस कहां से लिए जाते हैं, फ्रॉम सेंटर, तो आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर. लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो. जब आप यहां पे हो, जब आप यहां पे हो, तो आपने मास क्या लेना है प्लैनेट का, टोटल मास नहीं लेना आपने ना. जब आप यहां पे हो तो ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं, इसके नीचे जितनी भी अर्थ है आपको बस वो मास लेना है. आपको जब आप यहां पे हो, आपको सिर्फ इतना पोर्शन ऑफ अर्थ खींच रहा है, ये नहीं खींच रहा जो बाहर चला गया. ये क्यों नहीं खींच रहा, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा ऐसा क्यों. तो ये रिजल्ट याद रखना, अगर आप यहां पे हो अर्थ के अंदर, तो जितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया वो वाली अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी. ठीक, जहां पर आप आ चुके हो ये वाली अर्थ का मास कंसिडर करना है, और इसका अफेक्ट आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. आप अगर और अंदर आ गए तो आपको सिर्फ ये वाला मास लेना है, मास चेंज कर करके लेना है. पॉइंट समझ में आ रहा है ये रिजल्ट. तो अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, जैसे अगर आप यहां पे हो, यहां पे हो, फिर तो आपको पूरा का पूरा मास लेना पड़ेगा, बात ही खत्म, फिर पूरा मास लेना है. अगर आप यहां पे आ जाते हो तो बस इतना मास लेना है. अगर आप यहां पे आ जाते हो तो बस इतना मास लेना है. अगर आप यहां पे आ जाते हो बस इतना मास लेना है, क्योंकि आप अभी r माइनस x पे आए हुए हो, तो आपने इस पोर्शन का मास लेना है m डैश अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर. तो ये रिजल्ट क्लियर है यहां तक. तो अर्थ के अंदर जाने में मास आपको सारा नहीं लेना, जहां खड़े हो उसी रेडियस का मास लेना है. क्या स्टेप क्लियर है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें. तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी न्यूमेरिकल भी आ जाए या थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर चले गए ना, सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है. सरफेस ऑफ अर्थ के अंदर मिट्टी भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, सब केमिस्ट्री लगा दो, हर एलिमेंट है, हर की डेंसिटी डिफरेंट है. तो आप यूनिफॉर्म डेंसिटी पे काम ही नहीं कर रहे, आप तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी पे काम कर रहे हो. तो आपको मास एम नहीं लेना, आपको मास को डेंसिटी की फॉर्म में लेना पड़ेगा. जितने भी क्वेश्चंस अर्थ के अंदर सॉल्व होंगे वो मास मास को रिप्लेस करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि रो इज दी एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ. एवरेज डेंसिटी का मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के साथ हमने क्वेश्चन किया, तो रो इज दी यूनिफॉर्म डेंसिटी. तो एम मास की जगह क्या लिखेंगे, एम मास किसका मास है, टोटल अर्थ का मास है, तो टोटल अर्थ का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो यहां से r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये टर्म आ गई. और जब आप m डैश लिखेंगे, अब देखो m डैश निकलेगा कैसे, m डैश निकलेगा, m डैश किसका वॉल्यूम है, r माइनस x का वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम r माइनस x का क्या बनेगा, 4 बाय 3 पाई r माइनस x का होल क्यूब इनटू डेंसिटी रो. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. जब टोटल मास निकालना है तो टोटल वॉल्यूम, जब r माइनस x का मास निकालना है तो r माइनस x का वॉल्यूम. तो ये यहां से कैंसिल, तो ये टर्म आ गई. नहीं तो सीधा लिखो, ये देखो r की जगह r - x कर दिया बस. तो ये स्टेप क्लियर है. इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करो, 4 by 3 पाई g रो सब कैंसिल, r - x / r बचेगा, r / r 1 है, तो आंसर आ गया. g को राइट साइड पे ले जाओ, ये आंसर आ गया. अगर आप इसे ओपन करो, तो इसे ओपन करके g डैश की वैल्यू क्या आएगी, g - g * x डिवाइडेड / r. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 - समथिंग, तो साफ पता लग रहा है कि ये g डैश की वैल्यू 9.8 से तो कम ही आएगी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ भी बढ़ती नहीं है, उल्टा क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो हाइट के साथ भी डिक्रीज होती है,
डेप्थ के साथ भी डिक्रीज होती है। ये फॉर्मूला लिखो प्लीज, नेक्स्ट फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अफेक्ट ड्यू टू डेप्थ, ये फॉर्मूला लिखें। इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूलाज नहीं है। और अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे चले गए, मान लो इतनी मिट्टी खोद के बैठ गए कि सेंटर पे चले गए, हो नहीं सकता वैसे, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आर के ना, आर एक्स आर, क्योंकि हम ऊपर से डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स सरफेस से। ये देखो ये एक्स आर हो जाएगा, तो एक्स जब आर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, जीरो। आप फ्री फॉल, फ्री फील करोगे, मेरा वेट ही नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, यहाँ तक कोई पहुंचा नहीं है, पर अगर हो जाए तो ये रिजल्ट होगा। ये प्रूफ आपने करना है, इसके न्यूमेरिकल्स आज करें।